शब सिद्धे धूम चल मनोवम गईं पते बोछामि समय पाहुड मृणमौषध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतरच्छदे आज भगवान शांतिनाथ स्वामी का दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री का महावैराग्य युक्त अपने को कैसे छोड़ाना संसार से, माता पिता से, ये सुना। अनेकों प्रकार से हमने सुना, एक गलती करने से बचना उसकी चर्चा करने का मन है। और वो गलती ये है कि हमने पूर्व में भी पंचकल्याणक देखे हैं। पंचकल्याणक देखे माने असली, ये नहीं, बहुत पंचकल्याणक देखे। और जब जब ये महोत्सव देखते हैं उस पंचकल्याणक, तब ऐसा लगता है कि वो दिन कब आए जब हमारी भी दीक्षा हो। लेकिन मंद कषाय से द्रव्यलिंगी होने का तो अपराध किया, अपराध शब्द बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द्रवलिंगी होने का अपराध तो किया, नियोग क्या निदान बन तो किया, अनंत बार द्रवलिंग धारण किया, लेकिन भावलिंग प्राप्त नहीं हुआ। आज इस पंचकल्याणक में, दीक्षा कल्याणक की बेला में पूज्य गुरुदेव श्री वैराग्य का मतलब कहते क्या थे, उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। वैराग्य का नाम समझो तो ऐसा लगता है घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, दुनिया छोड़ो, पैसा छोड़ो, चक्रवर्ती का वैभव छोड़ो। शांतिनाथ भगवान ने क्या छोड़ा आज, 96,000 रानी छोड़ो। लेकिन स्वामी जी के एक प्रवचन सुन रहे थे आप, इस आत्मा को तुम छोड़ो, मैं तो पहले ही छूटा हुआ अनुभव करता था। मैं माता पिता का नहीं था, ये आत्मा वास्तव में तुम्हारा नहीं था, 96,000 पत्नियों का नहीं था, मैं तो पहले ही छूटा हुआ था, अब तो तुम मुझे छोड़ो। क्या कमाल की बात है। आइए, समय कम है, मैं पूरा एक विषय लेना चाहता हूं कि आपको दीक्षा कल्याणक के दिन किस किस की तैयारी करना है। पीसी कमंडल तो बाहर से आ जाएंगे, बाकी सारी तैयारी आ जाएगी, लेकिन एक तैयारी की जरूरत है जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। 47 शक्तियों के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव श्री ने बैराग की बड़ी सुंदर चर्चा की है। लोगों को लगेगा उसमें बैराग की चर्चा कहाँ आई, लेकिन मैं बताता हूं कितनी सुंदर बैराग की चर्चा है कि हम सीधे सीधे इन भागों में बांटें, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म। सबसे पहले द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म यह मैं नहीं हूं, नौकर्म यह मैं नहीं हूं। क्या कहा, द्रव्य कर्म नौकर्म ये परद्रव्य है, जितने परद्रव्य हैं वह, इतना से भेद विज्ञान सीखना है आपको, यह मैं नहीं हूं। स्वामी जी बोलते थे आ हूं नथी, आ हूं नथी, ओहो बस थोड़ी देर इससे विरक्त होना है। आपका क्षोभसम ज्ञान बहुत कम है, कोई कहे तुम्हारा चिंतन कम है, तुम्हारी मेमोरी कम है, तुम्हारा याद जो भी कुछ कम है, आ हूं ना थी ये मैं नहीं हूं। कैसा स्त्री पुत्र आदि, व्यापार धंधा, 6 खंड, 96,000 रानी, आपको उसकी चिंता होगी कि नहीं होगी कि आ मारू ना थी। एक क्षेत्र आपका ही दिख रहा है, आ हूं नथी। याद रखने आपको 4 मंत्र देने, मुझे ज्यादा नहीं देने। स्वामी जी ने 4 शब्द बोले हैं,
चारों शब्दों का सार है वैराग्य, दीक्षा, अतीन्द्रिय आनंद। एक क्षेत्र आपका ही दिख रहा है, उसके बारे में क्या बोला? आ उन्नति। बहुत काला लड़का है तू, बहुत धुबला है, मस्ती से मौज करो। आ उन्नति। अभी किसी मोटी महिला या पुरुष को कहते तुम बहुत मोटे हो, तो बेचारी भेद विज्ञान भूल जाए, सम्यक दर्शन भूल जाए, अतिथि भगवान आत्मा बाजुआ भारी सभा में मुझसे मोटा क्यों कहा, मोटा क्यों कहा। आ तो पुद्गल पढ़ना मन से तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ बोलो। आ उन्नति। बहुत गरीब आदमी हो। आ मारू नथी। फर्क है दोनों में, याद रहेगी बस। ए मैं नहीं हूं, ए द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, आठ कर्म और नौ कर्म, शरीर शरीर, ए मैं नहीं हूं। और नौ कर्म बाहर में जो भिन्न दिखाई दे रहे हैं, भिन्न क्षेत्रापगाही, भिन्न क्षेत्रापगाही। तुम भारतीय हो कि गुजराती हो? हाँ हाँ, ए भारतीय गुजराती कहना तुम्हारा व्यवहार है लोग का। भारत भी मारू न थी और गुजरात भी। अभी गुजरात की क्रिटिसाइज कर दे तो कितने लोगों को बुरा लगेगा? उत्तर भारत जबरदस्त है, उत्तर भारत में गजब है, गुजरात में कुछ नहीं है। अब भी पता नहीं क्या हुआ, किस किस को तकलीफ होगी। लेकिन जो इतना सा भेद विज्ञान कर ले, मैं इसको आजकल की भाषा में बोलूं, लैपटॉप होता है कंप्यूटर, डिलीट, डिलीट करना है, डिलीट करना है, बस ध्यान रखना। एक क्षेत्र आपका ही संबंध हो तो आ उन्नति, और भिन्न क्षेत्र आपका ही संबंध हो आ मारू नथी। आप करो इंडिया की नथी, इंडिया नहीं तो एशिया। अरे काकी बात कर दी, निज लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। शोकांत समझ गए? शोकांत। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था एक बात, ये जो प्रवचन आज हो रहा है गुरुदेव श्री से अपने समझा है, एक आजकल की भाषा में कहें तो टेंशन, टेंशन। तो एक टेंशन तो आप समझते हो, उसको मैं नहीं समझाता हूं, लेकिन एक आध्यात्मिक टेंशन सम्यक दर्शन करना है, केवल ज्ञान करना है, दीक्षा लेना है, बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, थोड़ा क्रियाकांड भी करना है, और कुछ कुछ समथिंग टू डू, वो कभी खत्म ही नहीं होता वो समथिंग। ये एक आध्यात्मिक टेंशन है, आज अपन उसकी पूरी चर्चा करेंगे। वैराग्य कहो कि दीक्षा कहो, अत्यंत निर्भर दशा, अत्यंत निर्भर दशा का नाम है वैराग्य। वैराग्य मतलब छोड़ना पड़ेगा, ये तो मजबूरी की पीड़ा है, छोड़ना पड़ेगा नहीं, अनादि से छूटा हुआ था, बस भिन्न दिख, संयोग से भिन्न हो के मत हो। देखो क्या कह रही है, संयोग से भिन्न हो के मत हो, मुझे तो अनादि से छूटा हुआ अनुभव में आया है और अनंत काल अब इसमें मेरा उपयोग जाने वाला नहीं है, इसका नाम दीक्षा। फिर से बोल देता हूं, आपको पता है भेद विज्ञान करने के बाद भी शादी करने का विकल्प आता है, छायिक सम्यक दृष्टि को, छह खंड जीतने का विकल्प आता है, भरत बाहुबली को युद्ध करने का विकल्प आता है। ये विकल्प आता है नहीं, ये उपयोग जाता है। कल शाम को बैंसरी के बचनामत की चर्चा का पहला ही प्रश्न की चर्चा में राग आता है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। राग आता है निचली भूमिका में, राग आता है पूजा पाठ का, राग आता है व्रतोपवास का, राग आता है, अरे क्या कह दे, अशुभ राग भी आता है, लेकिन हाँ 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 हाँ, इसमें आत्मापना आता नहीं है, अनुभव अनुभव इसका अनुभव करता नहीं। चलो दो बात तो हो गई, एक क्षेत्र आपका इस संबंध में, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि लगता है ना मैं हूं, मैं हूं ये लगता है, लेकिन ये मैं कब से? अनादिकाल से। कब तक? ओहो, तो फिर दीक्षा में नया क्या हुआ?
कि अभी तक उपयोग जाता था वो उपयोग भी अब वहां से कटता जा रहा है। अब तो आनंद के फब्बारे, तीन कसा चौकड़ी के अभाव का आनंद, तो दो बात तो हो गई। आगे चलें, तीसरी बात भाव कर्म। भाव कर्म जिनवाणी में दो प्रकार का, भाव कर्म दो प्रकार का, एक अशुद्ध भाव कर्म, एक शुद्ध भाव कर्म। क्या कहा? एक अशुद्ध भाव कर्म, एक शुद्ध भाव कर्म। शुद्ध भाव कर्म माने केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान। इस शुद्ध भाव कर्म में भगवान आत्मा कहा, असली है, हो चिंता नहीं करना। लेकिन कमाल की बात है कि हमको अशुद्ध भाव कर्म माने शुभ और अशुभ। क्या कहा? अशुद्ध भाव कर्म मतलब शुभ और अशुभ, ये अशुद्ध के भेद में आता है। हमें इससे भी विरक्त होना है, और पूज्य गुरुदेव श्री के सिवा कौन सिखाए ये बात कि हमें शुद्ध पर्यायों से भी विरक्त होना है, ये बात कौन सिखाए? देखो, दीक्षा के नाम पर आपको क्या क्या याद आता था और क्या आना चाहिए, मैं वो कह रहा हूं। तो स्वामी जी ने क्या कहा वो भी सुनने जैसी बात है कि साहब अशुद्ध, अशुभ पर्याय, अशुभ अशुभ खोटी पर्याय, पाप पर्याय, ये तो बिल्कुल बुरी है, ये तो बिल्कुल बुरी है। लेकिन होती तो है, सुबह शुभ भाव हमको पसंद नहीं है लेकिन होता तो है। तो स्वामी जी ने क्या डिलीट पॉइंट दिया, डिलीट पॉइंट, मैं वैसा नहीं हूं, हूं एवो नथी। क्या कह रहे? मैं ऐसा नहीं हूं। क्या कहा, क्या कहा बोलो? मैं दृष्टांत देना पड़ेगा, सभी लोग बैठे हैं, अभी सबको दृष्टांत दिए बिना मजा नहीं आएगा। बहुत सरल दृष्टांत सुनो, ध्यान रखना। वो शुभ भाव अशुभ भाव, कौन कौन से भाव? शुभ भाव अशुभ भाव, चाहे पूजा पाठ का भाव हो चाहे व्यापार धंधे का भाव हो, दोनों भाव अशुद्ध भाव कर्म। और अशुद्ध भाव कर्म के बारे में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। आइए देखते हैं अपन। होली समझते हैं, होली, होली समझते होंगे, बड़ी भयंकर होली होती जम के। उस दिन लोग डेढ़ पैंट पहन के निकलते हैं, होता है ना कैसा फटा पुराना, और एक वो पहन लेते हैं ऊपर फटा पुराना, क्या कहना चाहिए, जो भी आप समझते होंगे, बिल्कुल झब्बा, झब्बा भी नहीं, लूजर बनियान, पता नहीं क्या पहनते हैं, जो भी पहनते होंगे। और उस दिन तो सकल सूरत कैसी होती होगी, जोरदार, इधर काला इधर नीला इधर पीला, हरा लाल ऐसे। अभी वो एक सुंदर लड़का होली के दिन इष्टमन कलर में खड़ा था, इतने में एक लड़की वाले उसे देखने आए। कौन आए? लड़की वाले, लड़की वाले तो समझते होंगे ना, तो लड़की वाले उस लड़के को देखने आए, सुंदर लड़के को, गोरे लड़के को, बढ़िया लड़के को। और संयोग की बात है कि विदाउट इंफॉर्मेशन आए, इंफॉर्मेशन होती तो वो खेलने नहीं जाता, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन आए तो चौराहे पर खड़ा था। और वहीं आकर उन्होंने पूछा, क्यों भैया यहां स्वाइन सो का घर कहां है, मिस्टर जो भी नाम होगा उसका, इसका घर कहां है? बोले मैं ही हूं। बोलो, अरे भैया कुछ तो शर्म करो, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे भैया बुजुर्गों से मजाक नहीं करना चाहिए। वो समझ गया, क्या बात है, कैसे आए, क्या बात है? अरे हम उसको देखने आए हैं, उसका घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, आप मजाक मत करो हमसे। समझ गया, हूं तो मैं ही, लेकिन अब ये समझे नहीं, तो इसने कहा ऐसे करो, यहां से लेफ्ट जाओ, राइट राइट लेफ्ट आ जा रहा है। और ये सीधा घर में गया, बाथरूम में जाके नहा धो करके तैयार, साहब अपडेट ठीक है। अब लड़का, लड़की वाले आ गए इतनी देर में, आगे आगे समझ लो क्या हुआ, जो कुछ लड़का वाले, लड़की वाले लड़के को देखते से ही खुश हो गए, पसंद आ गया। और एक बात बोले, तुम्हारे गली के छोकरे हैं बहुत खराब। कौन कौन खराब है? तुम्हारी बाड़ी के छोकरे बहुत खराब है। बोले क्यों, क्या हुआ? वो बोलता था मैं ही हूं,
कहां ये सर्वांग सुंदर हीरो और कहां वो डेढ़ पैंट। अभी सुनना मुझे जो कुछ कहना है, आपको तो पता ही है ना कहानी। वो लड़का क्या बोला, पापा मैं बही हूं लेकिन वैसा नहीं हूं, जैसा तुम्हें दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं, ऐसे ही अनादिकाल से मैं ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सु मेरा है, मैं हूं तो यही लेकिन जैसा दिख रहा हूं। ए पुण्यात्मा होगी पापात्मा, ए दानी हो दानी त्यागी, अरे बोलो, अरे इतना बड़ा पंचकल्याणक कराया आप हमको दानी नहीं बोलते, हमने इतना बढ़िया ऐसा ऐसा काम किया हमको ऐसा नहीं बोलते कि सुनो इस पंचकल्याणक कराने से हम तुम्हें महान नहीं देखते, हम तुमको कार्यकर्ता नहीं देखते, कार्यकर्ता देखना माने तुम्हारा अपमान, दान दातार देखना तुम्हारा अपमान, अरे रे गजब हो गया, श्रोता देखना तुम्हारा अपमान, ओहो गजब हो गया, कौन हो जैसे दिख रहे हो वैसे नहीं हो, ये तो पांच पाप की पंचमी की होली, हमारे रंग पंचमी होती है रंग पंचमी, पांच पापों की पंचमी की होली, तू बहुत प्रकार के असंख्यात लोग प्रमाण मोह राग देश भाव वाला दिखाई दे रहा है लेकिन तू ऐसा, तीन पॉइंट हो गई, कौन कौन से, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, एक क्षेत्र आपका ही संबंध है वो मैं नहीं हूं, भिन्न क्षेत्र आपका ही है वो मेरा नहीं है, और शुभ और अशुभ भाव वो मैं वैसा, समय तो चाहिए इसके लिए प्रैक्टिकल करने के लिए, अभी कोई प्रशंसा करे इसका बहुत जोरदार भाव है भैया, दस दिन से नहीं सोया, इतनी भक्ति है गजब, इतना काम किया, लेकिन वो भेद विज्ञानी होगा तो झट डिलीट कर देगा, तुम बोल रहे हो ना जिधर देख करके मैं वैसा नहीं हूं, तुम जिधर देख के बोल रहे हो मैं वैसा, ए सुनो भैया, सभी लोगों को डिलीट पॉइंट इसीलिए बताया मैंने, जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, वैराग्य माने कर्तत्व से विरक्त, भोक्तत्व से विरक्त, एकत ममत्व से विरक्त। आइए आगे चलते, चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, शुद्ध भाव कर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और केवल ज्ञान, ये तो अच्छा है ना, ये तो अनादिकाल से नहीं मिला, ये तो रखना है ना, ये तो चाहिए ना। बोलो केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन, बोलो स्वधर्मेंद्र की धर्मेंद्र। बोलो ये क्या चाहिए, बोलो सुनना ध्यान से, स्वामी जी कहते थे शुद्ध पर्याय से भी विरक्त होने लायक है। आज शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए, बोलो केवल ज्ञान के लिए नहीं ली, ओ हो हो हो, अंतर में ध्रुव 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 की धगस, वो जो लगन जो आनंद जो वो बढ़ता हुआ प्रचुर वेदन, बाहर का निषेध नहीं बरतता है, अंदर का आनंद बरतता है, क्या कहें गजब कमाल की बात है। उसमें लिखा है 96,000 रानियां ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे नाक छिनकी, 96,000 रानी कैसे छोड़ दे, तुम तो गिन गिन के छोड़ोगे, जी बहुत सुंदर है तेरी याद आएगी, क्यों ऐसे नहीं, जैसे जैसे नाक छिनकी समझते हो, आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिरीज रिकॉर्ड नहीं बना, काय का नहीं समझ में, क्यों कोई पलट के देखता ही नहीं है, कोई आदमी ने कहा मैंने आज 100 ग्राम येलो कलर की, कोई कहता है, हा हा, जैसे नाक कोई मुड़ के नहीं देखता ऐसे 96,000 रानियां मुड़ करके नहीं देखी, ए देखी तो नहीं लेकिन जब ऐसे बैठे थे ना तो एक शुद्धात्मा का वेदन, क्या कमाल होगा, बोलो दीक्षा कल्याणक का। चलिए आगे, तो चौथी चीज कौन सी थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये तो बढ़िया है ना, केवल ज्ञान तो बढ़िया है ना,
स्वामी जी कहते हैं सुनो ये तो रखने लायक है भाई, ये तो रखो थोड़ा सा। आपने परद्रव्य का निषेध कर दिया, कर्मों का निषेध कर दिया, शुभ और अशुभ भाव का निषेध कर दिया, शुद्ध भाव तो रखो। स्वामी जी कहते सुनो, शुद्ध भाव में अहम करना त्रिकाली भगवान का अपमान है। मैं समझाता हूं, उन्हीं की शैली में समझाता हूं। शुद्ध पर्याय है, छायिक पर्याय है, केवल ज्ञान है, लेकिन मैं इतना सा नहीं हूं। आप तो समझ में आया, मैं इतना सा नहीं हूं तो मैं कितना हूं? कि मैं अनादि अनंत हूं। अब बोलो भैया, अनादि अनंत रखना है कि सादी अनंत रखना है? हो गया, इसका मतलब है बैराग। सच कहता हूं, जब ये चिंतन चलता है स्वामी जी के आधार से, तो दीक्षा के नाम पर इतनी बात दिमाग में आती है, और लोक में तो दीक्षा के नाम पर क्या आता होगा सोच लो जरा। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो अमृत पूज्य गुरुदेव श्री ने बरसाया वो 18,500 साल तक बरसेगा, बरसेगा और बरसेगा। क्या? क्योंकि ना तो ये मूल तत्व की चर्चा, न ये एनालिसिस, न ये गहरे भेद विज्ञान की बातें अन्यत्र मिलती ही नहीं है। आज यदि मूल महावीर भगवान का मार कहीं सुरक्षित रहेगा तो पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायियों के बीच में रहेगा। विरक्त हो गई, समझ में आया? विरक्त फिर ठीक, चार बातें याद हो गई। कौन बोलेगा भैया? बच्चे बोले तो 100 का नोट इनाम। हाँ भैया, 10 का रेट बढ़ गया आप थोड़ा, मैं 10 रुपये देता हूं, आज का 100 का दे सकता हूं। फिर से सुनो भैया, आ हूं ना थी। अच्छा सुनाएगा? बोल बोल बेटा बोल, शाबाश, वेरी गुड। इधर आ जा जोर से। हाँ इधर। हाँ भैया, हाँ घबरा गया, मंच पे तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। कोई बात, सोच के थोड़ी देर बाद बता देना, बराबर? बैठ जाओ, शाबाश, कोशिश करी बच्चे ने, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया। अभी और सोच लो, फिर से चार बात बतानी है, चौथी बात बोलो। बताए बच्चे ने, 3 बता दिए, चौथी बात ही अभी बता देगा, फिर से बताना, कोई बात नहीं। फिर से रेडी? आहू न थी, आ मारू न थी, हूं एवो न थी, और हूं एटलूज न थी, मैं इतना सा नहीं हूं, मेरी सत्ता अनादि अनंत है। ओहो, मेरे वैभव के सामने तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ओहो, इसका नाम आनंद। अभी मैंने कहा था टेंशन, आपको पता है जो काम बाकी दिखाई देगा वो टेंशन बन जाएगी। आपको लगता है शुद्ध पर्याय करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो ये भी एक टेंशन बन जाएगी। स्वामी जी ने हमें चारों प्रकार के टेंशन से निकाल दिया। क्यों? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, इसकी सेवा में कुछ नहीं हूं। इसका मतलब, इसकी टेंशन कैसे मिटाई, इसकी टेंशन कैसे मिटाई? आ हूं नथी। और ये पत्नी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? ये समाज कैसी है तुम्हारी? भारत कैसा है तुम्हारा? देखो, जहां जहां भी आप अटैचमेंट करते ना, अटैचमेंट, वहीं वहीं आप दुखी हो जाओगे। जहां जहां अटैच हो जाओगे, जहां भारत पाकिस्तान का मैच हो, अब तुम्हारा अटैचमेंट कौन से होगा? बस अब तुम दुखी हो जाओगे, पक्की बात है। वे हारेंगे, वे पैसा इनाम लेके आएंगे, वे मुस्कराएंगे, क्योंकि उन्हें जीतने हारने की आदत है। और तुम्हें भेद विज्ञान की आदत नहीं है। तुम देख लेना, वे खिलाड़ी हारेंगे विश्व कप, दूसरे दिन मुस्कराएंगे अपनी हीरोइन के साथ, तुम्हें कोई तकलीफ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और तुम गोली मार रहे, तुम अपने टेलीविजन को फोड़ रहे, तुम अपने आय के लिए टेंशन कर। हाँ, कितना कितना अटैचमेंट करना, बोलो। अरे बोलो ना, मारू न थी करो आप जो कुछ। सच कहता हूं, चार पॉइंट अद्भुत। आगे चलो, आगे इन चारों बातों के बाद आपको एक बात और ध्यान रखने की है कि चौथी बात में शुद्ध पर्याय जितना नहीं हो, इसके लिए दृष्टांत देके समझाऊं। शुद्ध पर्याय जितना नहीं हो, बहुत सरल बात है, छायिक भाव भी मैं नहीं हूं, छायिक भाव जितना मैं नहीं हो, इसको समझाने के लिए बहुत सरल दृष्टांत देता हूं आपको। बच्चों से पूछो,
बच्चों से बोलो भैया एक चिंतामणि है, चिंतामणि चिंतामणि छोड़ो तो बिजनेस लो, बिजनेस एक बिजनेस है जिसमें 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम होती है। कितनी? 1 करोड़ एनुअल नहीं, कितनी पर सेकंड? 1 करोड़ लोगे, 1 करोड़ लोगे कि बिजनेस लोगे? बोलो बोलो, लोग तो 1 करोड़ के पैकेज के लिए तरस रहे हैं, आपको तो 1 करोड़ रुपए कितनी देर में दे रहे हैं हम? 1 सेकंड में। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? 1 करोड़ रुपया ओनली या 1 करोड़ रुपया पर सेकंड देने वाली दुकान, बिजनेस या चिंतामणि? बोलो भैया क्या लेना पसंद करोगे? बोलो ये पंडित जी शुद्ध बनिया हो। बोलो बोलो, आज तक मैंने 1 करोड़ नहीं देखे। गरीब से गरीब व्यक्ति को बुलाओ यहां मंच पे तो वो कहेगा मैंने 1 करोड़ नहीं देखे, लेकिन मुझे 1 करोड़। अरे बोलो, 1 करोड़ नहीं चाहिए, 1 करोड़ बोल, 1 करोड़ नहीं चाहिए। इसका नाम बैराग, इसका नाम बैराग। 1 करोड़ रुपए गरीब से गरीब एक भिखारी को बुला के लाओ कि भैया ये चिंतामणि है, इससे जो मांगो तो मिलता है, 1 करोड़ रुपए पर सेकंड देता है, तो 1 करोड़ रुपए ले जाओ। और यदि इस 1 करोड़ को नहीं लेना चाहते तो ये मिलने वाला है। बोलो क्या चाहिए? बोलो, भिखारी से भिखारी को चिंतामणि का स्वरूप मालूम होने के बाद इतना वैराग्य आता है, वैराग्य हो। वो कहता 1 करोड़ नहीं चाहिए, चल सोने चांदी के हार ले, हीरे के हार ले। वो कहता है बोलो हीरे का हार लोगे? नहीं चाहिए। क्यों? ओहो, मुझे तो चिंतामणि रत्न चाहिए जिसके आश्रय से प्रति समय इनकम होती है, बराबर है ऐसी। अब बोलो भैया केवल ज्ञान चाहिए, वो एक समय की पर्याय है, उत्पाद व्यय रूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत काल एक समय की पर्याय है। वो क्या चाहिए? बोलो कि जिसके आश्रय से, हाँ बोलो, अनंत काल तक प्रति समय अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत शोक 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 सुख सुख का दरिया बह जाए, मुझे वो चाहिए। बोलो भैया परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भाव, और यहां तक कि शुद्ध भाव भी विरक्त होने लायक है। तो पंडित जी कोई बात नहीं है, हम विरक्त तो हो जाएंगे, लेकिन चाहिए तो, चाहिए तो चाहिए, समझ गए? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं? कि सुन, अंतिम बात है, यहां की अंतिम बात, इसकी अंतिम बात कि केवल ज्ञान चाहिए, ये लोक व्यवहार का सत्य है। व्यवहार व्यवहार व्यवहार, ए व्यवहार से कहा जाता है कि मुझे केवल ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। खरे खर ये कथन का व्यवहार है, आश्रय का व्यवहार नहीं है। क्या कह गई? क्या कह गई? कथन का व्यवहार है, आश्रय का नहीं। जैसे मैं कहूं, जरा पंखा चालू करो, तो पंखा कैसे चालू करोगे? बोलो बोलो, पंखा कैसे चालू करोगे? कि पंडित जी एक बांस लाऊंगा, ऐसे चालू करेगा? अच्छा पंडित जी, मैं स्टूल पर खड़ा होकर हाथ से हिला, ऐसे करेगा कोई चालू? ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं करता। बोलो भाई, ये पंखा चालू करने की विधि, ये देखो पंखा चालू करो ये व्यवहार है, लाइट बंद करो, लाइट चालू करो ये कहना व्यवहार है। ध्यान से सुनना, मैं धीरे से बोलूंगा, जल्दी बोलूंगा। पंखा चालू करो उसी समय पंखा भूल जा। कुछ कह गए? जिस समय का लाइट चालू करो उसी समय लाइट भूल जा, लाइट की ओर देख भी मत, सीधे श्रद्धा पूर्वक स्विच बोर्ड पर गया और स्विच ऑन किया, काम हो गया। ऐसे ही केवल ज्ञान पंखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुद्ध पर्याय पंखा है, लाइट है, केवल ज्ञान लाइट है। कहां जाए? कहां जाए? जिन्हें भी, न्याय की भाषा में बोलता हूं, जिन्हें भी धर्म चाहिए हो वो धर्मी का आश्रय करें। क्या बोला? जिन्हें भी धर्म 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 चाहिए वे धर्मी का आश्रय करें। क्या मतलब?
जिन्हें दूध मीठा करना हो, जिस वस्तु में मिठास नाम का धर्म पाया जाता हो उसका आश्रय करो। बोलो भैया, दूध मीठा करने के लिए कितना सोना डालें? मना क्यों कर रहे हो? सोना सारे पंचकल्याणक में जो 20,000 लोग आए ना, सबके लिए कह रहा हूं सोना। एक गिलास दूध में मैं 1 किलो सोना डालने तैयार हूं। बोलो पंडित जी, क्यों टाइम खराब कर रही हो? चूंकि सोना में हीरा में हीरा डालूं चलेगा? हीरा? बोलो पंडित जी, आप टाइम खराब नहीं करो। सोना और हीरा में मिठास नाम का धर्म नहीं है, इसलिए सोना और हीरा के आश्रय से दूध मीठा नहीं होता। बराबर है? तो फिर किस किसके आश्रय से होगा? जब सोना से हुआ नहीं और हीरा से हुआ नहीं तो कैसे मीठा होगा? बोलो, बहुत कठिन काम है दूध मीठा करना। कठिन काम है कि 25 पैसे की शक्कर डाल शक्कर धर्मी है, शक्कर धर्मी है, मिठास धर्म है। ऐसे तुझे आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, बोलो दर्शन चाहिए, चारित चाहिए, आनंद वीर चाहिए। कहां जाऊं? कहां जाऊं? जंगल में दीक्षा ले लूं? बोलो एकाध पंचकल्याणक करा दूं? अरे बोलो ने, सुनो, इन सब में सुख ज्ञान दर्शन चारित का धर्म नहीं है, इसलिए इनके करोड़ों उपार करने पर भी धर्म प्रकट होता नहीं, आनंद प्रकट होता नहीं, सुख प्रकट होता। तो फिर कहां जाऊं? बोलो भैया, केवल ज्ञान लेने कहां चले हैं? समय शिखर जी, प्रभु परद्रव क्षेत्र काल भव और भाव की बात मत कर। परद्रव क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन की बात मत कर, तेरा परमात्मा तेरे अंतर है। क्या कितना सरल काम, क्लिक 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 क्लिक, तो समझ गए, स्विच स्विच ऑन किया और काम हो गया। ऐसे एक ध्रुव गायक भाव की स्वीकृति हुई, ओहो बैराग का जन्म हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। अभी ये बात बड़ी है, प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा। मैंने तो 4 पॉइंट बताए हैं और इसको पूरा करना है मुझे। एक बात मुझे कहने की इच्छा हो रही है, सुनोगे ध्यान से? ये बात अपने ही तक रखना है कि पूरे विश्व में पहुंचाने की इच्छा है? बोलो भैया, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए मुझे विकल्प आते हैं। 125वीं जन्म जयंती पूरी हुई गुरुदेव की, तब मैंने एक प्रतिज्ञा की। मैं अपनी प्रतिज्ञा की बात कर रहा हूं कि आने वाले ये जो पंचकल्याणक हुआ ना, ये तो ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि कोई भी पर्याय ना भूतो ना भविष्यति। हो सकता है 50 साल बाद यदि कोई पंचकल्याणक होगा तो यहां अंग्रेजी में प्रवचन हो रहे होंगे और इधर भी सुनने वाले अंग्रेज होंगे। अंग्रेज माने अंग्रेजी समझने वाले। अभी मैं बंबई में आकर एक बच्चे से बोलूं, बेटे 58, तो 4 साल का बच्चा आंख फाड़ के देखता है, व्हाट डू यू मीन 36? व्हाट डू यू मीन विद 36? अभी बच्चों की हालत तो ये है। आने वाले समय में कौन समझेगा गुणस्थान और कौन समझेगा पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान? मुझे बहुत जम के चिंता है, मैं भरी सभा में ये बात कहने के लिए शेयर करना चाहता हूं। बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव श्री का अमृत हम तक तो आ गया, लेकिन 25 साल बाद 15 साल बाद ये अमृत हमारे बीच में कितना, हमारे बच्चे कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, कितना सुनेंगे, और फिर इन फ्यूचर बाहर की तो क्या बात करें। तो मेरा तो ये की विकल्प आया कि आने वाले कम से कम 146 यूनिवर्सिटी है, 35-40 देश हैं जहां पर 146 यूनिवर्सिटी है, और वहां पर 2000 वर्ष पहले आचार्य कुन स्वामी, आपको पता है जब भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट प्रारंभ होता है तो उसकी टेक्स्ट बुक लिखना पड़ती है। आपको जानकर आनंद होगा कि टेक्स्ट बुक लिखना कितना कठिन काम होता है, लेकिन पूज्य महावीर भगवान का शासन, सीमंदर भगवान का शासन 2000 वर्ष पहले ही अनुमान कर लिया हो मानो आचार्य कुन स्वामी ने,
और एक ग्रंथ लिखा विदेश से आकर सबसे पहले प्रवचन सार जी, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 146 यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार जी ज्यों का त्यों पढ़ाया जाता है, एक भी गाथा घटाए बिना। टेक्स्ट बुक कब लिखी गई? टेक्स्ट बुक कब लिखी गई? रसिया में एक 22 साल की लड़की फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जब उसने प्रवचन सार पढ़ा, उसके ज्ञान का क्या परिणमन हुआ होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे ऐसी जिज्ञासा हुई कि जब प्रवचन सार इतना जोरदार ग्रंथ है तो इस महर्षि की अन्य रचनाएं कैसी होंगी। उसने प्रवचन सार सीखा संस्कृत प्राकृत से सीखा, और जब समय सार मिला तो पढ़कर निहाल हो गई। सबसे पहला काम उसने किया ब्रह्मचर्य लिया, समय सार जी पढ़कर ब्रह्मचर्य, और समय सार जी को पढ़ने के बाद उसने रसिया भाषा में पूरा ट्रांसलेशन किया उसको, और रसिया में ट्रांसलेशन करने के बाद उसको छपा दिया। हम तो अभी छपाने का विरोध करेंगे, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, काय के लिए सीडी बना रहे हो, काय के लिए इतना कर रहे हो, कौन देखेगा। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि इसे कौन पढ़ेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि 146 यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार जी पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन हम दिगंबर जैनों को ही समझ में नहीं आता था। हमें ही दिगंबर, हमारे विद्वान ये कहते थे, हमारे दिगंबर विद्वान, विद्वान की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े सिद्धांताचार्य वे कहते थे सोनगढ़ में आके कि साहेब सात तत्व के नाम पर जीव का मोक्ष होता है, ये तो हमने आपसे सुना। अभी तक हम सात तत्व के नाम पर नाव का मोक्ष करते थे, अपना मोक्ष हो सकता है ये हमें नहीं मालूम था। कौन बोला था ये? सिद्धांताचार्य। कौन सिद्धांताचार्य? जो शास्त्रियों के प्राचार्य थे। आप सोचो, मुझे इस बात की बहुत चिंता थी, मैंने ये बात जब गुरुदेव श्री का जीवन चरित कहा तब ये बात रखी थी। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मचारी हेमचंद जी और उनकी सहायता से एक राजेश गांधी, हम बस्त्रा पर, मुझे इतनी खुशी है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रवचन सार जी के, उसका पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हम इंटरनेट के माध्यम से और पूरे 146 यूनिवर्सिटी में पहुंचाएंगे। मैं तो अभी इसलिए सबके साथ बीच में कह रहा हूं कि जो लोग भी एजुकेटेड हों, गुरुदेव को समझते हों, इस तत्व का मर्म समझते हों, वे अमेरिका में रहते हों, दुनिया में रहते हों, यदि आपके पास टैलेंट है, मैं तन मन की बात नहीं कर रहा हूं, धन की बात नहीं कर रहा हूं, यदि टैलेंट है तो जो काम आचार्य कुनकुन स्वामी ने किया और जो काम हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने किया, अपना सारा जीवन देकर के उन्होंने हमारे लिए एक अमृत की वसीयत देकर गए, इसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, जैसे अभी हिंदी और गुजराती में आता है नीचे, वो ऐसे अंग्रेजी में आएगा। और एक समय ऐसा होगा जब पूरे विश्व के स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्ररूपित किया गया ये जैन शासन, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग सबको पढ़ने को मिलेगा। कितना आनंद आएगा जब उधर भी इस पर कॉन्फ्रेंस होंगी, उन पर चर्चाएं होंगी। आज एक बात पक्की देखी जाती है, जब भी कोई नया सिद्धांत स्वामी जी ने उद्घाटित किया, मैं गलत कह रहा हूं, नया सिद्धांत नहीं, नया सिद्धांत नहीं, उद्घाटित किया, अनादि अनंत सिद्धांतों को उद्घाटित किया, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे वो नए चक्र निश्चय व्यवहार हो, चाहे वो निमित्त उपादान हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसने हंगामा मचाया। और आज हंगामा ऐसा शांत है जैसे तत्व निर्णय करते समय बहुत कोलाहल होता है और दीक्षा लेने पर विज्ञान घन हो जाता है, ऐसे जब गुरुदेव श्री ने नई नई चर्चा सामने निकाली तो कोलाहल हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान विज्ञान घन हो गया। सबको लगता है क्रमबद्ध पर्याय सच्ची है, सच्ची है बात, और आप सब स्वीकार करते हैं, बहुत खुशी की बातें हैं। आज क्या कहें आपको, मुझे एक बात तो कही आपको, अपना टैलेंट अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लगाओ। दूसरी बात कहने की मुझे इच्छा हो रही है, थोड़ा रुक के कह रहा हूं, फोकस करना है मुझे। अभी तक ऐसा लगता था
कि शास्त्र की पढ़ाई तो वे करें जो पढ़े लिखे नहीं हों, शास्त्र की पढ़ाई तो वे करें जो कमजोर हों, गांव के हों। हमारा छोकरा तो अमेरिका जाएगा, हमारा छोकरा तो दिख रहा तो डबल आईटी, हमारा लड़की तो एमबीबीएस, हमारी लड़की तो। लेकिन मैं क्या कहूँ आपको, इसका मतलब यह है कि 25 साल बाद गुरुदेव को पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं चाहते आप, और कम से कम आपके घर में तो नहीं चाहते आप। आपका एक लड़का है, एक लड़की है, वो अमेरिका चली गई। आपके 18,500 बरस में जैनत्व कितना बचेगा आप देख लेना। क्यों? जिनके बीच में रहता है बालक उसी में अपना हम सफर खोजता है। ये मेंटली है ये बात। जिनके बीच में लड़के लड़की रहते हैं उन्हीं में जीवन साथी की कल्पना करते हैं। आज खान पान, रहन सहन, उठना बैठना ऑटोमेटिक ईसाई हो गया। खान पान की पद्धति हमने उनसे सीखी, अब सब कुछ वही करने लगे। एक तात्विक चीज रह गई, कहीं ये ना चली जाए। मैं चाहता हूं आपके 90 प्लस बच्चे, आप हंस करके कहो बेटा गुरुदेव श्री का झंडा तू थाम, गुरुदेव श्री का झंडा तुझे थामना है बेटा, हमें तुझसे पैसा नहीं चाहिए, हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, तू ये पढ़ और आगे बढ़। मैंने सोचा 125 जब तक मेरी देह छूटेगी तब तक 125 इंग्लिश मीडियम के जानदार शानदार ऐसे शास्त्री तैयार करना जो आने वाले समय में 146 यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सके। आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जगह है, वो चाहे तो यहीं से बैठे बैठे पढ़ा सकता है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकता है। मुझे उस दिन बहुत आनंद आएगा जब हमारा एक विद्यार्थी स्विट्जरलैंड में जाए, अमेरिका में जाए, कनाडा में जाए और पूज्य गुरुदेव श्री की जय जयकार करता हुआ लौट कर आए कि क्रमबद्ध पर्याय बात सच्ची जाए। अणु अणु की स्वतंत्रता, दो पर्याय की स्वतंत्रता बात सच्ची है। वैराग का ये अर्थ जो अभी किया गया ये सच्चा है, एक टेक्निकली सत्य है। टेक्निकली बाहर का वैराग तो समझ में आता है, अंदर का तो अंदर में जो समझेगा वो समझेगा। ये बात मैंने कही, मैं फिर कहता हूं भैया, गुजरात से, बंबई से, अमेरिका से जहां हो आप अपने बच्चों को पहली प्रेरणा ही करो कि बेटा। मैं फिर कहता हूं, आपको मालूम है आजकल बच्चे हिंदी अच्छे नहीं लिख पा रहे, गुजराती नहीं लिख पा रहे, गुजरात के बच्चे गुजराती नहीं लिख पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते पढ़ते और हिंदी और गुजराती भूल जाएं और एक दिन सुनना समझना भी उन्हें मुश्किल पड़ जाए और ये गुरुदेव का तत्व जो हम तक आया आगे तक ना पहुंच पाए। मुझे इसकी बड़ी चिंता है। एक बात कहकर के बात पूरी करूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी, बड़ील, गर्मी के मौसम में फालतू बैठा हुआ था तो गड्ढा कर रहा था, गड्ढा। एक 18-20 साल का नौजवान वहां से निकला, बापू शू कर ही रहे हो क्या कर रहे हो? बेटा आम का पेड़ लगा रहे। 80 साल का आदमी और आम का पेड़ लगा रहे। तो लड़का हंसा 18 साल का, मगज फरी क्यों? दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, आम खा लोगे? नहीं बेटा नहीं खा पाएंगे। फिर क्यों लगा रहे हो गर्मी में परेशान होकर? बेटा यदि हमारे बुजुर्गों ने भी यही सोचा होता तो मुझे आम खाने नहीं मिलते। ऐसे पूज्य गुरुदेव सिंह ने इतना बड़ा वट वृक्ष लगा के दिया है, वो फल हमने खाए हैं और अब हम वो वट वृक्ष लगा के जाएं जिसको आने वाली पीढ़ी 18,500 वर्षों तक खाती रहे। इसी भावना के साथ एक अंतिम सूचना, पूज्य गुरुदेव सिंह ने सोनगढ़ से जब पहला शिविर चलाया था, पहला शिविर एक महीने का, उसके 12 विद्यार्थी थे। पूज्य गुरुदेव सिंह ने विश्व को शिविर लगाने की परंपरा सिखाई, अन्य लोगों ने भी उसे अपनाई अपना ही। मुझे एक बात कहना है आप सबको कि 18 दिन का शिविर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से प्रारंभ हुआ, विश्व में कोई नहीं लगा सकता। 18 दिन बहुत बड़े होते हैं, एक दिन की शादी नहीं करता आदमी, दो घंटे की शादी करता है आजकल। ऐसे समय पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से
मेरठ नगर में इस साल 49th शिविर चल रहा है, 24 मई से 10 जून तक। आप अपने बच्चों को, युवाओं को, क्यों आप अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते, आप अपनी बहुओं को नहीं सुधार सकते, आप शिक्षा नहीं दे पाओगे, लेकिन जब पूरे भारत और विदेश के बच्चे एक साथ खड़े होते हैं, जो माहौल मिलता है उस माहौल से उसे लगता है पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व साँचा है। तो आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि 24 मई से 10 जून तक उस शिविर में जरूर पधारें। ओम नमः शिवाय।